अल्लाह फरमाते हैं वलकद वसैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिना शुबा यकीनन हमने आपकी उम्मत को और आपसे पहले जितनी उम्मतें गुजर चुकी हैं उन सब को, हत्ता के अहले किताब को एक ही वसीयत और नसीहत की है, वही याकुम अलितकुल्लाह, के तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो, अल्लाह से डर जाओ। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो दावत लेकर के आए उम्मत के सामने, जो उन्होंने पैगाम रखा, वो बुनियादी तौर पर दो चीजें थी, नंबर एक अल्लाह की तौहीद और नंबर दो अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा कर लिया जाए। 19वें पारे की एक सूरत है, सूरत शुआरा, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बताया है, इस काल लहुम अकूहुम हूदुन अला तत्तकून, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद की तरफ पैगंबर और नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम को कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से डर जाओ। इस काल लहुम अकूहुम सालिहुन अला तत्तकून, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर के भेजा गया, तो उन्होंने तौहीद के साथ साथ जो बुनियादी दावत थी वो अल्लाह का डर पैदा करने की दावत थी। इस काल लहुम अकूहुम नूहुन अला तत्तकून, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया। इस काल लहुम अकूहुम लूतुन अला तत्तकून, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बस्ती सुदूर की तरफ नबी बनाकर भेजा। उन्होंने भी तौहीद के साथ साथ बुनियादी तौर पर जो दूसरी दावत थी वो तकवे की दावत दी। हत्ता ने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी दावत का खुलासा, बेस और बुनियाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनकबूत में जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं, इब्राहिम इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह अल्लाह वत्तक़ूह, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नबूवत का ताज अता फरमाया, जब वो रिसालत को आगे पहुंचाने के लिए दावत दीन के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर दो दावतें पेश की, नंबर एक अलहम्दुलिल्लाह, अकेले अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ूह, और दूसरी दावत यह है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर लो। और फरमाया, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम्हारे अंदर बसीरत है, समझ बूझ है, फहम व फिरासत है, तो सुन लो, अकेले अल्लाह की इबादत और उसका डर अपने दिलों में पैदा कर लेना, यही सबसे बेहतरीन कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें शरीयत अता की है, इस शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कई एक इबादात का हुक्म दिया है, और बुनियादी तौर पर इबादत तीन किस्मों की होती है, माली इबादत, जानी इबादत, कौली इबादत। इन तमाम इबादत का फलसफा, गर्ज़ो गायत, मकसद क्या है कि बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाहता क्या है, नमाज पढ़ के मकसूद क्या है, रोजा रख के मकसूद क्या है, हज बैतुल्लाह की गर्ज़ो गायत और फलसफा क्या है। आप देखें कि रोजा कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर रोजे फर्ज ही इसीलिए किए हैं ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा आ जाए। नमाज, ज़कात की अदायगी, हज बैतुल्लाह अदा करना कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन इबादत का फलसफा क्या है, गर्ज़ो गायत क्या है। सूरतुल हज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब, नमाज को पढ़ने, ज़कात को अदा करने और हज बैतुल्लाह को मुकम्मल करने का मैंने हुक्म इसलिए दिया है ताकि दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। कुर्बानी कितनी बड़ी इबादत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज में इसका फलसफा बयान किया है, लैय अल्लाह लुहुमुहा वला दिबाउहा वला इयनालहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह फरमाते हैं, कुर्बानी जब तुम करते हो, ना कुर्बानी का गोश्त मुझे मतलूब होता है, ना ही कुर्बानी का खून मेरे लिए मकसूद है,
अल्लाह तेरे लिए मकसूद क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वला की यनालु तक्वा मिनकुम, मैं देखता हूं कि कुर्बानी ज़िबा करने वाले के दिल के अंदर तक्वा कितना है, मेरा डर कितना है, मेरे साथ इसका ताल्लुक कितना है। मसाजिद बनाना, मसाजिद को आबाद करना, मसाजिद की सफाई सुथराई करना, मस्जिद के साथ दिल लगी करना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन इसका फलसफा क्या है? सूरह तौबा में अल्लाह ने बयान किया है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अकामस्सलाह व आतस्सकाह व लम यख्शा इल्लल्लाह। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरत, नमाज की अदायगी और ज़कात की अदायगी के साथ साथ जो मसाजिद को बनाने का सबसे बड़ा फलसफा है वो ये है कि वलम यख्शा इल्लल्लाह, दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम हो जाए। इस्लामी मुआशरा की दीन इस्लाम ने बहुत ज्यादा तबलीग की है और हुक्म दिया है कि मुआशरे के अंदर इस्लाह की जाए और मुआशरे को दुरुस्त किया जाए, और मुआशरे की जो दुरुस्तगी है वो बुनियादी तौर पर दो चीजों पे कायम है, नंबर एक अदल इंसाफ और नंबर दो माफ करना, बर्दाश्त का वादा पैदा करना, अपने रवैये अंदाज तौर तरीके दुरुस्त कर लेना। इन दोनों चीजों का जो फलसफा है वो तकवा है। अल्लाह फरमाते हैं इबदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा, अदल करने का हुक्म इसलिए दिया है ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा आ जाए, और दूसरे मकाम पर फरमाया वा अंताफु अक़रबु लित्तक़्वा लित्तक़्वा, माफी का मकसद यही है कि दिल के अंदर तकवा आ जाए। अलग जितनी भी इबादात हैं, चाहे वो कौली हो, फेली हो या माली इबादात हो, उनका ताल्लुक यह है, उनका फलसफा यह है कि दिल के अंदर अल्लाह का तक्वा आ जाए। सूरह बकरा का तीसरा रुकू शुरू है, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगो तुम इबादत करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इसलिए कि वो तुम्हारा भी खालिक है, तुमसे पहले तमाम लोगों का वही खालिक है, बाद में आने वालों का भी वही खालिक है। अल्लाह ये इबादत का मकसद क्या है? अल्लाह ने दो टोक अल्फाज में बयान कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा आ जाए। हजरत तकवा एक ऐसी बेस और बुनियाद है कि हर किस्म की खैर व बरकत, हर किस्म की भलाई, हर किस्म की नफामंद चीजें हासिल होती हैं तो तकवे की बदौलत और तकवे की बेस और बुनियाद पर हासिल होती है। दुनिया के अंदर हर मुसलमान बंदे की यह ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरा ताल्लुक मजबूत हो जाए, जिसको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का वली है। ये अल्लाह से ताल्लुक बिल्ला और विलायत का दर्जा कब मिलता है? जब बंदे के दिल के अंदर तकवा आ जाए। सूरह यूनुस है, अल्लाह फरमाते अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक रखते हैं, उन पर दुनिया में न कोई खौफ होता है, न कयामत वाले दिन उन्हें किसी परेशानी का सामना होगा। ऐ अल्लाह वो है कौन? अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, उनकी दो निशानियां हैं, नंबर एक उनके दिल और दिमाग के अंदर ईमान होगा, मेरी जात के ऊपर यकीन होगा, और नंबर दो वो मुझसे डरते होंगे। ये ताल्लुक बिल्ला मजबूत होता है, अल्लाह की रहमत का बंदा मुस्तहिक बनता है तकवे की बदौलत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आलाफ में बयान किया है वरहमती वसियत कुल्ल शय, मेरी रहमत जो है तुम्हारे वहम व गुमान से भी बहुत ज्यादा वसी है। अल्लाह तुम रहमत अता किसको करता है? अल्लाह फरमाता है फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, उस रहमत का नुज़ूल, उस रहमत का अता करना मैं उन लोगों पर लाजिम कर देता हूं, यत्तकून, जिनके दिलों के अंदर तकवा होता है, अल्लाह का डर होता है। और फिर जो मुत्तकीन लोग होते हैं, अल्लाह का डर पैदा करने वाले लोग होते हैं, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत साथ से उन पर बरखा की तरह बरसती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर कामयाबियों की बरखा बरसा देता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ू, मेरी मदद हर वक्त उन लोगों के साथ होती है इत्तकू, जिनके दिल के अंदर तकवा होता है। हजरात इससे बढ़कर सबसे बड़ी चीज वो ये है कि बंदे को अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। हम में से हर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है, लेकिन कोई पता नहीं है कि इसके जवाब में उस बंदे से भी अल्लाह मोहब्बत करता है कि नहीं करता।
यही वजह है कि जुमला मुतअल्लिल के तौर पर बता दूं, जंगे खैबर के मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लाउती अन्ना रहयत बदल रजुल युहिब्बुल्लाह व रसूलह व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलह। कई दिन हो गए खैबर का यह किला, एक किला था अभी फतह नहीं हुआ था, फतह नहीं हो रहा। फरमाया कल मैं एक ऐसे शख्स को सिपा सलार बनाऊंगा और फौज की कमांडरी ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा, झंडा ऐसे शख्स के हाथ में थमाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और उसके जवान में अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथ के ऊपर जंगे खैबर की फतह लिखती है और कल फतह हासिल होने वाली है। हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, पूरी रात मैं इस तलब में रहा, इस ख्वाहिश में रहा, दुआएं करता रहा कल काश मुझे झंडा नसीब हो जाए, फौज की कमांडरी मुझे हासिल हो जाए। क्यों? इसलिए कि बहुत बड़ी गारंटी मिली है कि अल्लाह और उसका रसूल उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जिसको जिसके हाथ में झंडा मिलने वाला है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि आपको कमांडरी का, क़यादत और लीडरी का शौक था? फरमाते बिल्कुल नहीं, ये मेरे ज़हन में तसव्वुर तक ना था। असल ख्वाहिश यह थी कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन कल पता चल जाएगा कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मुझे हासिल है या नहीं। जब कल का दिन हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अयना अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहां है? बतलाया गया कि उनकी आंखों में दर्द है, तकलीफ है, अशोबे चश्म की बीमारी में मुब्तला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको बुलाओ, आपने अपना लुआबे तौल लगाया, उनकी आंखें ठीक हो गई और आपने उनको झंडा दिया और उनके हाथ पर अल्लाह ने फतह लिख दी। हजरात इसके साथ ये बात भी ज़हन में रखिए, इससे बढ़कर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला का क्या एजाज हो सकता है? क्या लाजमन उनके लिए मौजू और मन भड़क रिवायात उनकी शान में बयान की जाए? क्या बुखारी शरीफ की इस हदीस के मुताबिक इससे बढ़कर कोई फजीलत है कि अल्लाह और उसका रसूल दुनिया में उनको मोहब्बत के सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं? बहरहाल ये एक ऐसी चीज है कि अल्लाह और उसके रसूल से हर मुसलमान मोहब्बत करता है। जवाबन अल्लाह और उसका रसूल किन से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में तीन मकामात पर फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, जिन लोगों के दिल के अंदर तकवा होता है मैं दुनिया के अंदर इनसे मोहब्बत करने का इजहार कर रहा हूं कि ये लोग मेरे महबूब होते हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। अल-ग़ज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे को दुनिया में भेजा है, दुनिया की जिंदगी से लेकर दुनिया में आने से लेकर कयामत के अंदर कयामत के दिन और फिर कयामत के बाद जन्नत के आला मराहिल हासिल करने तक बंदा जिंदगी के जिन जिन अदवार से, जिन जिन लम्हा से और जिन जिन मैदानों से गुजरता है उन तमाम मैदानों के अंदर आला दर्जे के साथ अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है कि दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर दिया जाए। मसलन दुनिया के अंदर कोई भी सहब बसीरत जी शऊर इंसान जो होता है उसकी बुनियादी तौर पर तीन आरजूएं होती हैं। नंबर एक, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इज्जत वाली जिंदगी नसीब फरमाए, जलील बंदे की कोई जिंदगी नहीं है। और नंबर दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे किसी का मोहताज न करे बल्कि मुझे मेरी अपनी जात के लिए और अहल वयाल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरावानी की रोजी अता फरमा दे, मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाता फिरूं। और तीसरी जो हर ज़ी शऊर सहबे बसीरत बंदे की ख्वाहिश तमन्ना आरज़ू होती है वो ये कि जब भी मुसीबत आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, अल्लाह की रहमत, मदद और नुसरत मेरे साथ हो। ये तीनों आरज़ूएं, तीनों ख्वाहिशें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की पूरी कर देता है जो अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लेता है और तकवा इख्तियार कर लेता है। पहली चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जतों के ताज उस शख्स को पहनाता है जिसके दिल के अंदर तकवा होता है। सूरत हुजरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुम्हें एक आदम अलैहिस्सलाम और एक औरत हजरत हव्वा अलैहिर्रहमा से पैदा किया, वजअलनाकुम शुउबन व कबाइला और हमने तुम्हारे खानदान, कुंबे कबीले, बिरादरी कौमें बना दी। क्या ये कुंबे कबीले, ये खानदान, ये जुबानें, ये कौमें इज्जत का मेयार है? फरमाया नहीं, लितआरफू, मैंने खानदान और कौमें इसलिए बनाई हैं ताकि तुम अपना एक दूसरे को तआरुफ करा सको, ये कौन है, किस कबीले से ताल्लुक रखता है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है।
रही इज्जत और शर्फ की बात, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जतों के ताज अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कहलाता है जिसके दिल के अंदर तकवा होता है। और यही बात सही बुखारी की हदीस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाई थी, फरमाया अल्लाह फजला ली अरबीयिन अला अजमीयिन वला ली अजमीयिन अला अरबीयिन, लोगों सुन लो, अगर कोई अरबी है तो उसका अरबी होना उसके अफजल होने की दलील नहीं, अगर कोई अजमी है तो उसका अजमी होना उसके अफजल होने की दलील नहीं, वला ली अस्वद अला अहमरा वला ली अहमरा अला अस्वद इल्ला बितक्वा, रंग के लिहाज से अगर कोई गोरा है सफेद है उसका सफेद होना उसके अफजल होने की दलील नहीं, अफजल वो है इल्ला बितक्वा जिसके दिल के अंदर तकवा मौजूद है, तकवा है तो फजीलत हासिल है इज्जत हासिल है वरना कोई इज्जत नहीं है। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क की फरावानी उस शख्स को देता है जिसके दिल के अंदर तकवा होता है। सूरह तलाक अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान के 29वें पारे की मुख्तसर सी सूरत है, सिर्फ दो सफात पर मुश्तमिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर तकवे के 5 फायदे बयान किए हैं, फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो बंदा हकीकत तकवे तकवा को इख्तियार कर लेगा और शिद्दत तकवा पर कायम रहेगा, फरमाया यजअल लहु मखरजा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बड़ी सी बड़ी मुसीबत से भी निजात का रास्ता अता फरमाऊंगा, वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और नंबर दो उसको वहां से रिज़्क मईशत और रोजी दूंगा जहां से उसका वहम गुमान भी नहीं होगा। इसी आयत से इस्तदलाल करते हुए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने अक्सर और बेशतर खुतबात में फरमाया करते थे, लव कानत अस्समावातु वल अर्जु रत्कन अला अब्दिन फत्तकल्लाह लजअल लहु मखरजा, फरमाते अगर ये सातों आसमान सातों जमीनें लपेट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन मैक्रो करके किसी बंदे के सर के ऊपर रख ले, बताओ कितनी मुसीबत में ये बंदा होगा, कितनी बड़ी परेशानी में होगा। लेकिन अमीर उमर फरमाते हैं फत्ता अल्लाह, अगर ये शख्स हकीकत तकवा पर गामजन रहा लजअल लहु मखरजा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसीबत से भी इसको निजात का रास्ता अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है जिसने हकीकत तकवा को इख्तियार कर लिया मैं उसको वहां से रिज़्क और रोजी दूंगा जहां से मैं गुमान नहीं होगा। मुस्नद अहमद में एक हदीस आती है, अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन की जवाब ने इसकी सनद को हसन करा दिया है, सैयदना औफ बिन मालिक अलश्शही रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हैं, चेहरे पर अफसूदगी के परेशानी के निशानात नुमाया हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु क्यों परेशान हो, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों से मेरा बेटा गायब हो गया है और जहां तक मेरी अकल काम कर रही है मेरा बेटे को अगवा कर लिया गया है, इसलिए कि मेरा बेटा बड़ा मुदी और फरमाबरदार था, वो खुद ब खुद भागने वाला नहीं है, किसी ने उसको पकड़ा है किसी ने अगवा किया है, जिस दिन से मेरा बेटा गायब हुआ है परेशानी मुझे भी है लेकिन मेरे बेटे की माँ यानी मेरी बीवी उस दिन से न खाने के करीब जाती है न पीने के करीब जाती है, माँ की ममता और मोहब्बत आप जानते हैं, आया हूं आपके पास इसका कोई हाल है तो बता दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी का व इयाहा बिकौलिल्लाह हमला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ऐ औफ रज़ियल्लाहु तआला तो ऐसे करो तुम भी और अपनी बीवी को कहो वो भी कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द करे, अगर जमीन की पुश्त पर तुम्हारा बेटा जिंदा बाकी होगा तो इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे बेटे को जरूर वापस ले आएगा। अब सैयदना औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस से उठते हैं, जाके अपनी बीवी को बतलाया, उन्होंने भी ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया, खुद भी पढ़ रहे हैं। चंद दिन गुजरे, हदीस में बिदअत व अय्याम का जिक्र है और बिदअत का लफ्ज अरबी में 3 से लेकर 10 तक बोला जाता है, यूं समझे कि 3 से लेकर 10 दिनों के दरमियान का वक्फा गुजरा तो बेटा वापस आ गया, माँ ने बिठाया पानी पिलाया तब थकावट दूर हुई, पूछा बेटा क्या मसला बना था, और ये बात याद रखें कि जब गया था तो अकेले अगवा हुआ था, जब वापस आया तो बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ साथ लेकर के आया, माँ ने पूछा बेटा क्या मसला था, कहने लगा अम्मी मुझे डाकू अगवा करके ले गए थे और एक ऐसे इलाके में अगवा करके ले गए जो डाकू की आबादगाह और पनाहगाह थी और उनका बड़ा ही मजबूत और मुनज्जम निजाम था, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के जानवर चुरा करके लाते, फिर उन जानवरों को चराने के लिए
नौजवान किस्म के इंसानों को अगवा करके लाते और उनसे चरवाहों का काम करवाया करते थे। मुझे भी वो अगवा करके ले गए। उनका ऐसा मजबूत निजाम था कि जिस इलाके के अंदर वो डाकू रहते थे उस रमादगाह की चपेट तरफ चार तरफ उन्होंने चौकियां बनाई हुई थी, जहां पर बैठ करके उनके करिंदे और उनके नुमाइंदे हमारी निगरानी किया करते थे कि कहीं ये जानवर चराने वाले भाग न जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर का वक्त था, मैं जानवर चरा रहा था, मैंने देखा कि जिस चौकी जो मेरे करीब लगती है, जहां लोग हमारी निगरानी किया करते थे, वहां पे बैठने वाले बंदे नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहां चले गए। मैंने दिल में सोचा कि ये जानवर भी साथ लेके जाता हूं, बकरियों का लेबर साथ लेके चलता हूं और खुद भी निकलता हूं, रास्ते में मदीने का रास्ता पूछता रहूंगा, मदीने तक पहुंच जाऊंगा, अगर पीछे से आ गए तो कहूंगा जानवर है, भगा करके ले आए हैं, जानवर तंग करते हैं बंदे को, अगर ना आए तो फिर मदीने पहुंच जाऊंगा। वहां से चला, यहां तक पहुंचा, रास्ते में मुझे किसी ने जरा बराबर भी तकलीफ नहीं दी। मां ने पूछा, बेटा वो दिन कौन सा था, वक्त कौन सा था, तारीख कौन सी थी? बेटे ने तारीख बतलाई, दिन बताया, वक्त बतलाया। मां ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा ये वही तारीख थी, वही दिन था, वही लम्हा था जब मैंने सबसे पहले अपनी सुभान से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा था। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकात है, समरात है, फवाद है। सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नत, जन्नत के खजानों में से एक खजाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, जो तुम जमीन पे पढ़ते हो और यूं समझो कि तुम्हें अल्लाह ने जन्नत का खजाना अता कर दिया है। हजरत आज कर रहा था कि जिसने अल्लाह के ऊपर यकीन कर लिया और अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर लिया, उसको मुसीबत से नजात भी मिलती है और रिज़्क़ की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी भी अता फरमाता है। आप देखें, औफ बिन मालिक अल-नजाही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा कितनी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह का डर है, अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत किया, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान नबूवत पर यकीन करके एक वजीफे को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने बड़ी मुसीबत से नजात भी दी है और रिज़्क की सूरत में, रिज़्क के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बकरियों की सूरत में एक बड़ा रेवर भी अदा कर दिया है। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा, ये वो चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर बंदे को अदा करता है, इसकी बदौलत, तकवे की बदौलत। बंदे की जिंदगी का दूसरा मरहला है मौत का मरहला, और हदीस मुस्लिम शरीफ में है, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार खात्मे पर होता है। ये बंदा मरते हुए क्या कर रहा था, इसकी मौत अच्छी आई या बुरी आई, कुफर पर मौत आई या ईमान पर मौत आई, गुनाह पर मौत आई है या नेकी पर मौत आई है। जो बंदा तकवा इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नेकी पर, तकवे पर, ईमान पर मौत अता फरमाता है। कहां लिखा है, सूरह आले इमरान है, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर कवा हक़ हु पैदा कर लो, इसका फायदा यह होगा, वला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून, जब तुम्हें मौत आएगी तो बहालत ईमान और बहालत इस्लाम मौत आएगी, तुम्हारी मौत में अच्छी कर दूंगा। बंदा इस मरहले से जब गुजरता है, अगला मरहला है कब्र का। कब्र का मरहले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आए हुए फरिश्तों ने तीन चार सवाल करने हैं, उन सवालों के अंदर कामयाबी और कब्र के मरहले में आला दर्जे के अंदर कामयाबी हासिल तब होगी जब दिल के अंदर तकवा होगा। अल्लाह फरमाता है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, जो बंदे अहले ईमान होते हैं, तकवा इख्तियार करने वाले होते हैं, इसलिए कि ईमान और तकवा लाज़िम व मलज़ूम है। जिस दिल के अंदर ईमान है उस दिमाग के अंदर तकवा होगा, जिसके दिल के अंदर तकवा है उस दिल और दिमाग के अंदर ईमान भी होगा। वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम हकीकी मोमिन हो तो फिर अल्लाह का डर पैदा कर लो। जो बंदे अहले ईमान होते हैं, तकवे वाले होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, उन्हें दुनिया की जिंदगी के इम्तिहानों में भी मैं साबित कदम रखता हूँ, कामयाबी देता हूँ, वफिल आखिरा और आखिरत के इम्तिहानों में भी कामयाबी देता हूँ, और आखिरत के जो इम्तिहान है उनमें पहला इम्तिहान कब्र के मरहले का इम्तिहान है। क़यामत वाले दिन खड़े होंगे, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही, उस दिन ना माँ बाप औलाद के काम आएंगे और ना औलाद वालदैन के काम आएगी। हाँ, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव, सूरह ज़ुख़्रुफ़ में अल्लाह फरमाते हैं, उस दिन दिली दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे।
अल्लाह की लाओ दिल्ली दोस्त योमा इन बाद उमले बाद नदू एक दूसरे के दुश्मन हैं। इल्ला मुत्तकीन मुत्तकीन ही वो लोग हैं जो कयामत वाले दिन एक दूसरे की खैरखाही कर रहे होंगे। फिर कयामत वाले दिन जब अंबिया की जुबान पर होगा रब्बी सल्लिम रब्बी नफ्सी रब्बी सल्लिम रब्बी नफ्सी ऐ अल्लाह हमें बचा ले। हजरत आदम पैगंबर से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को अपनी जान की पड़ी होगी। उन लम्हात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अंबिया को जो प्रोटोकॉल अदा करेगा उसके साथ सिद्दीकीन शुहदा और सालिहीन को जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा उसके साथ मुत्तकीन को ये प्रोटोकॉल मिलेगा। सूरह मरियम है अल्लाह फरमाता है यौमा नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ्दा क़यामत वाले दिन मेरे फरिश्ते मुत्तकीन लोगों को मेरे सामने इस तरह पेश करेंगे वफ्दा जिस तरह वक्त को पेश किया जाता है। वक्त कहते हैं किसी भी बादशाह के खास मेहमान जो दूसरे मुल्क से या दूसरे इलाके से मिलने के लिए बादशाह को आए और बादशाह पहले अपने वजीरों को मुशीरों को कह दे कि एक काफिला आ रहा है उनकी तलाशी नहीं करनी उन्हें प्रोटोकॉल के साथ मेरे तख्त के करीब लेके आना है। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह फरिश्ते क़यामत वाले दिन मुत्तकीन लोगों को प्रोटोकॉल के साथ मेरे सामने पेश करेंगे। हालात पर क़यामत के मराहिल में से एक मरहला ऐसा है जहां पर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने अहल वयाल को भी भूल जाऊंगा उम्मत तो दूर की बात है अहले बैत को भी भूल जाऊंगा। वो मरहला पुर सिरात का मरहला है। सूरह मरियम में अल्लाह फरमाते हैं वहीं मिनकुम इल्ला वालिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक्ज़िया तेरे रब ने पक्का और पुख्ता फैसला कर रखा है कि कयामत वाले दिन हर बंदे को पुर सिरात से गुजरना पड़ेगा। हर बंदे के लिए लाजिम है कि वो पुर सिरात को उबूर करे। सुम्मा नुनज्जिल्लज़ी नत्तकौ फरमाया पुर सिरात को उबूर करने में क्रॉस करने में कामयाबी वो शख्स हासिल करेगा इत्तकौ जिसके दिल के अंदर तकवा होगा। अल्लाह पुर सिरात के बाद अमाल नामे का मरहला है जिसके दाएं हाथ में अमाल नामा मिला वो कामयाब हो गया जिसको बाएं हाथ में अमाल नामा मिला वो नाकाम होगा। लेकिन दाएं हाथ में अमाल नामा हासिल करने वाले कौन लोग होंगे सूरह नूर में अल्लाह ने बयान किया है وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ दाएं हाथ में अमाल नामा हासिल करने के लिए चार काम करने जरूरी है। नंबर एक अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी। नंबर दो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी। नंबर तीन अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और नंबर चार अल्लाह का तकवा। और वैसे ये डर और तकवा लाजिम और मंजूम है गोया के तीन कामों का होना जरूरी है अल्लाह की इताअत नबी अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और दिल के अंदर अल्लाह का डर ये तब अमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा। हजरत जब दाएं हाथ में अमाल नामा मिलेगा फिर फरिश्ते इन लोगों को जिनके दिल के अंदर तकवा होगा बड़े प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में लेके जाएंगे। वसीकल्लजी नत्तकौ रब्बहुम इला जन्नति जुमा फरमाया फरिश्ते इनके चार तरफ से सिक्योरिटी करते हुए जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। जब जन्नत के करीब पहुंचेंगे वउज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन ग़ैरा बाईद जिस तरह कोई मेहमान आता है और मेहमान को मिलने के लिए मेजबान आगे बढ़कर मिलता है सूरह काफ में अल्लाह फरमाते हैं वउज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन ग़ैरा बाईद मेरी रहमत में को जोश आएगा जन्नत भागने की कोशिश करेगी मुत्तकीन की तरफ वउज़लिफा करीब कर दी जाएगी अल जन्नतु जन्नत लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए किन लोगों के लिए जिनके दिल के अंदर तकवा होगा। जन्नत के अंदर मुख्तलिफ दरजात है आला दर्जे उन लोगों को मिलेंगे वल्लज़ीन तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा जिनके दिल के अंदर तकवा होगा। हत्ता के जन्नत को हासिल करने के बाद हर सहबे बसीरत अहले ईमान में से हर मुसलमान और मोमिन की यह ख्वाहिश होगी आरज़ू तमन्ना और तड़प होगी कि काश नबी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब हो जाए आपका पड़ोस नसीब हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पड़ोस उस शख्स को अता करेगा जिसके दिल के अंदर तकवा होगा। सही मुस्लिम शरीफ की एक तवील हदीस है नबी अलैहिस्सलाम सैयदुना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ रवाना करने लगे। आप सल्लम मदीने से लेकर के यमन के रास्ते के ऊपर चले जब अलविदा करने की जगह आई यूं कहे जब अड्डे के ऊपर पहुंचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुआज़ जाओ यमन के गवर्नर बन के जाओ लेकिन हो सकता है अंत मुर्रा की कब्री जब आप यमन से वापस मदीना आए तो मेरी और आपकी मुलाकात ना हो जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बुला लिया हो और आपको मेरी कब्र के पास से गुजरना पड़े। हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। क्यों ना रोए ऐसे समझे कि एयरपोर्ट के ऊपर बाप अपने बेटे को अलविदा
अदा करते हुए कहे बेटा दूसरे मुल्क में चले जाओ, हो सकता है जब आप वापस आए तो आपकी और मेरी मुलाकात ना हो, मैं दुनिया से चला जाऊं। बेटे का कलेजा फट जाएगा, रोने लग जाएगा। यही हुआ सैयदुना वाद बिन जबर रजी अल्लाह तआला रोने लगे और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते आपने ये क्या शर्म वाली बात कर दी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते वाज घबराना नहीं, आपने तसल्ली दी, फरमाया जाओ दुनिया में तो जुदाई आनी ही आनी है, लेकिन सुन ले मन कानू क्यामत वाले दिन जन्नत के अंदर मेरे सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके दिल के अंदर तकवा होगा। मन कानू उनका ताल्लुक किसी भी नस्ल इंसानियत से हो, वो अरबी हूं अजबी हूं गोरे हूं काले हूं वो पहली सदी के हूं या दूसरी सदी के हूं, भाई सुकान उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, जिस दिल के अंदर तकवा होगा वो क्यामत वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। अब सवाल ये है कि हर मरहले के अंदर कामयाबी मिलती है तकवे की बदौलत, जिंदगी दुनिया की हो, कब्र का मरहला हो, हशर का मरहला हो, आमाल नामे का मरहला आ जाए, पुल सिरात का मरहला आ जाए, जन्नत को हासिल करने का मरहला आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोस हासिल करने का मरहला आ जाए, कामयाबी तकवे की बदौलत। ये तकवा है क्या चीज? तकवे का खुलासा सैयदुना अली रजी अल्लाह तआला ने बयान किया है। वक्त की किल्लत के पेश नजर आपके सामने इख्तिसार के साथ रख देता हूं। सैयदुना अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कामयाबी हासिल करने के लिए और इन तमाम मराहिल में आला दर्जे के अंदर फौज़ो फना हासिल करने के लिए लाजमी है कि बंदा अपने दिल के अंदर चार वसफ चार सिफात जलीला और औसाफ़ हमीदा पैदा करे। नंबर एक अल-खौफ़ु मिनल जलीली, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लेना, बंदे की सोच फिक्र नजरिया और मैं ये बन जाए कि मेरा खालिक व मालिक मुझे देख रहा है, जिंदगी के एक एक लम्हे में एक एक कदम उठाते हुए ये फिक्र हो कि कहीं इस मरहले के अंदर इस मामले के अंदर इस कौल व फेल के अंदर मैं अपने रब की नाफरमानी को नहीं कर रहा। ये तकवे वाले बंदे की पहली निशानी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला जो बयान कर रहे हैं सैयदुना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने उबै बिन काब रजी अल्लाह तआला से पूछा था, उबै तकवे का खुलासा बयान करो, तकवा किसे कहते हैं? हजरत उबै बिन काब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अमीर उमर कभी आप ऐसे रास्ते से गुजरे होंगे जो खाबदार कांटों वाला रास्ता होता है? फरमाया जी गुजरा था। कहते फिर उसको उबूर कैसे करते हो? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अपनी चादर संभाल करके तैबन संभाल करके एक एक कदम इस ध्यान से रखता हूं कहीं कांटा मेरे कपड़े के साथ मेरे पांव के साथ न चुभ जाए। हजरत उबै बिन काब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं उमर सुन ले, जिस तरह कांटे वाले रास्ते पर चलते हुए एक एक कदम सोच के उठाते हो, इसी तरह जिंदगी का एक एक मामला सोच के करो कि कहीं रब की बगावत तो नहीं हो रही। इसको तकवा कहते हैं। अल-खौफ़ु मिनल जलीली, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अपनी खलबतों को पा कर लिया जाए, जलबतों को पा कर लिया जाए, इज्तिमाई और इंफिरादी जिंदगी को पा कर लिया जाए, ये तकवे की पहली निशानी है। और जो बंदा अपनी खलबत और जलबत को पा कर लेता है फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बना करके यूं अपनी नेकी अल्लाह के सामने रखता है। हजरत उरवा बिन जुबैर रहमहुल्लाह ये तबकात के बाद से ताबी है। इमाम शमसुद्दीन ज़ाहिरी रहमहुल्लाह सही सनद के अंदर सियर के अंदर सियर व आलाम इब्न बलाल की किताब है उसके अंदर इनकी सीरत का एक पहलू यह भी जिक्र किया है कि उरवा बिन जुबैर रहमहुल्लाह के पांव के अंदर फोड़ा निकला और वो फोड़ा बढ़ते बढ़ते कैंसर का शिकार हो गया। हुकमा और इकबाल ने फैसला किया कि इस पांव को काटना पड़ेगा वरना पूरे जिस्म के अंदर जहर फैलने का खतरा है। एक हकीम ने कहा कि फुला दिन वक्त मुकर्रर हो गया, इसके पांव को काट दिया जाएगा। उरवा बिन जुबैर रहमहुल्लाह की ऑपरेशन की बारी आई, हकीम ने उनके सामने एक शीशी पेश की जिसके अंदर नशा था, शराब थी। उरवा बिन जुबैर रहमहुल्लाह पूछते हैं ये क्या चीज है? कहने लगे कि ये शराब की शीशी है, आप पी ले आपको नशा आ जाएगा, मैं आपका पांव मार लूंगा। उरवा बिन जुबैर रहमहुल्लाह फरमाते हैं नहीं, एक बात तो यह है कि आज तक मैंने हराम चीज नहीं पी, आज कैसे पी सकता हूँ? दूसरी बात यह है कि हो सकता है जब मैं शराब पीऊं और मुझे नशा आए और ये मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हूं, मैं अपने खालिक व मालिक को क्या जवाब दूंगा? ये तकवा है कि अपने हर कौल को हर फेल को जिंदगी का आखिरी लम्हा समझा जाए और ये जहन में फिक्र हो कि कहीं इसी लम्हे मुझे मौत ना आ जाए। और उरवा बिन जुबैर रहमहुल्लाह ने जब ये कहा कि मैं नहीं पी सकता
हकीम पूछते फिर ऑपरेशन कैसे होगा? कहते मैं नमाज शुरू करता हूँ, जब सजदे के अंदर जाऊं सजदा लंबा करूंगा, आपने मेरा पांव काट लेना है। सजदे के अंदर गए, हकीम ने पहले छुरी के जरिए गोश्त को अलग किया, फिर आरी के जरिए पांव काटना शुरू कर दिया। ये पहली सदी हिजरी की बात कर रहा हूं। आजकल का जो टेक्निकल निजाम है और जिस बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन हो जाता है, उस दौर में तसव्वुर ही नहीं था। जब बार बार आरी चली, गुरबा के सुबह गए वो अल्लाह बेहोश हो गए, काफी देर बेहोश रहे। शाम को जब होश आया, पूछा कि मेरा पांव जो हकीम ने काटा है वो तुमने फेंक दिया है या रखा हुआ है? लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं, वो पांव अभी रखा हुआ है। कुरबा बिन जुबैर रहे अल्लाह फरमाते हैं, वो मेरे सामने ले आओ। एक प्लेट के अंदर पांव रख करके थाल के अंदर उनके सामने पेश किया गया। कुरबा बिन जुबैर रहे अल्लाह पांव को मुखातब करके फरमाते हैं, वल्लजी हमलनी अलैकी लयालमु अन्नी मा मशीतु बिकी अला मासियतिन कत। ऐ पांव, अरसा दराज तक तू मेरे जिस्म का हिस्सा रहा है, मेरा अल्लाह गवाह है। वल्लजी, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मां मशई तो पी की अलामासियतिन कब, मैं तेरे ऊपर चल करके कभी गुनाह करने नहीं गया था। हजरात, ये तकवा है जो खलबतों को पाक करते हैं, फिर वो अल्लाह को गवाह बना करके अल्लाह की कसमें लेकर के कहते हैं, मेरा ये उसो पाक है। आप मुझसे आप में से हर कोई अपने जमीर से पूछे, क्या हमारे जिस्म का एक उसो ऐसा है जिसके बारे में आंख हो, कान हो, हाथ हो, मुंह हो, जुबान हो, पांव हो, जिसके जरिए हम कहें कि इसने रब की बगावत नहीं की? खलबत पाक नहीं है। जिस बंदे की खलबत पाक ना हो, इंफरादी जिंदगी पाक ना हो, उसकी नमाजों का, रोजों का, हज ज़कात का कोई फायदा नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल-खौफ़ु मिनल जलीली, तकवे की पहली निशानी यह है कि अल्लाह का डर हर वक्त इज्तिमाई जिंदगी में हो तब भी गुनाह को छोड़ दे, इंफरादी जिंदगी में हो तब भी गुनाह को छोड़ दे। लेकिन अगर खलबत पाक नहीं है फिर कोई फायदा नहीं है। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम ने फरमाया था, इन्नी लअअलमु अक़वामन मिन उम्मती यहदून यौमल क़ियामा बिअमाली अमसाली जिबाली तिहामता। हजरात, इस हदीस को अगर आज हम याद कर लें, पूरे खुतबे का खुलासा इसी हदीस में है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोग जानता हूँ जो क़ियामत वाले दिन आएंगे और नेकियां करके आएंगे, इतनी नेकियां की ही होंगी कि पहाड़ों के माने उनकी नेकियां होंगी। लेकिन फरमाया, फयजअलुल्लाहु अबाअन मंसूरा, एक ही आन में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पहाड़ों को उठती हुई राख बना करके तबाह और बर्बाद कर देगा। सहाबा किराम चौंक गए, पूछते अल्लाह के नबी, सिर्फ हम लगा उन बदबख्तों की आप हमारे लिए निशानियां बयान कर दे, हत्ता ला नकूना मिनहुम, हत्ता कि हम उनमें से ना हो जाए जिन्होंने पूरी जिंदगी नेकियां की लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक भी नेकी कबूल नहीं कर रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला इन्नहुम मिन इख्वानिकुम, वो तुम्हारे दीनी भाई होंगे, वमिन जिल्लतिकुम, उनका ताल्लुक नस्ल इंसानियत से होगा, युसल्लून कमा तुसल्लून, जिस तरह तुम नमाजें पढ़ते हो वो भी नमाजें पढ़ते होंगे, वयसूमून कमा तसूमून, वो भी इसी तरह रोजे रखते होंगे जिस तरह तुम रोजे रखते हो, वयतसद्दकून कमा तसद्दकून, वो भी इसी तरह सदका खैरात करते होंगे जिस तरह तुम सदका खैरात करते हो, वलाकिन्नहुम क़ौमुन इज़ा ख़लू बिमहारिबिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन वो ऐसे लोग होंगे उनकी जन्नत की जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी बड़ी पाक होगी, लोगों के सामने सौम सलात के पाबंद होंगे, लेकिन जब वो अलहदगी में जाएंगे अल्लाह की हुरमतों को पामाल कर देंगे, उनकी खलबत की जिंदगी, इनफिरादी जिंदगी, अलहदगी की जिंदगी नापाक होगी। हजरात, कुरान ने बारहा का यौम तुबल सराइर, लोगों एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, तुम्हारे किए हुए सारे अमल बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया और अफशा होंगे, हमें कोई भी डर से बच ना हुए। अभी हालिया याद के अंदर व्हाट्सएप ऐप वालों ने बंदे की प्राइवेसी और व्हाट्सएप ऐप के जरिए जो जितने भी मामलात हैं वो फेसबुक के सामने पेश करने का कहा। मेरे जमीन में से मैं पूछूं, आप पूछे, हम कितना परेशान हुए, हमारे व्हाट्सएप के मामलात ओपन हो जाएंगे। ये व्हाट्सएप की परेशानी तो हमें खाई जा रही है और लोग व्हाट्सएप की ऐप को छोड़कर दूसरी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान क्या कहता है, यूं है तो रबून अदा तख्फा मिनकुम खाफिया, एक दिन आने वाला है कि अल्लाह के सामने पेश होगे, तुम्हारे जर्रे जर्रे का हिसाब अल्लाह के सामने होगा और वीडियो पेश की जाएगी, तुम्हारे हाथ बोल पड़ेंगे, यूं मतशहद अलैहिम अलसिनतुहुम वाईदीहिम वअर्जुलुहुम
जब जमीन पे बैठ के गुनाह किया था, वो मैदिन तो हद सुखबार आप जमीन भी बात करेगी, ये हाथ बोल पड़ेंगे, आंखें बोल पड़ेंगी, कान बोल पड़ेंगे कि मेरे जरिए इसने ये गंदगी सुनी थी, ये गंदगी देखी थी, ये खलबत की जिंदगी पाक नहीं है, तो ये पहाड़ की मानत देखिए अभी बर्बाद हो जाएगी। हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, पहली निशानी ये है कि दिल के अंदर हर लम्हे अल्लाह का डर हो। दूसरी निशानी वल अमल बिल तंजीली, तकवे वाले बंदे के पास शरीयत का जो मसला पहुंचता है उसका दिल माने या ना माने, उसका दिमाग कबूल करे या ना करे, उसके ईमान के खिलाफ हो या हक में हो, वल अमल बिल तंजीली, वो शरीयत के मसले पर अमल करके ही दिखाता है। वो अपनी राय चूके चुना के काम नहीं लेता, अपनी राय से काम नहीं लेता, शरीयत के मसले पर अमल करके दिखाता है। और तीसरी उसकी सिफत यह है वल कनात बिल कलीली, दुख हो, खुशी हो, आसानी हो, परेशानी हो, वो अमीर हो, गरीब हो, जिस हाल में भी हो, बल कनात बिल कलीली, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है, अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहता है। और चौथी निशानी यह है वल इस्तेआदुल यौमिल रहीली, उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा इस फिक्र से गुजरता है कि मैं अभी नेकी कर लूं, हो सकता है कि थोड़ी देर तक मुझे मौत आ जाए। ये चार निशानियां हैं, हर वक्त अल्लाह से डरना, नंबर दो शरीयत का जो मसला आप तक पहुंचे उस पर अमल करना, नंबर तीन अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहना, और नंबर चार हर वक्त ये सोच हो कि हो सकता है जिंदगी का यह आखिरी लम्हा हो, अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई तो जिंदगी के तमाम मराहिल में कामयाबी मिल सकती है, वगरना कामयाबी नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे समेत हम सबको ये चार औसाफ, चार खूबियां पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى. أما بعد، आइंदा से अगला जुमा यानी 29 जनवरी 2021 का जुमा पाकिस्तान की मरूफ इल्मी शख्सियत खतीब इस्लाम मुबल्लिग़ इस्लाम कारी मोहम्मद यासीन हैदर साहब आप बेरावाली खान आपकी इसी मस्जिद में खुतबा जुमा इशारा फरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। एक अजीम शख्सियत जिसका